हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा के पार्ट टू को। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर मैंने पिछले पार्ट को खत्म किया था। इफान कहता है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तुम बोलने से पहले अच्छे से सोच लो। यान बोली क्या तुम मुझे मिस्टर लू के आदमियों के पास छोड़ दोगे, क्योंकि मैंने उन लोगों को मार दिया था। अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस ट्रबल में फंसूं या फिर तुम मेरी हेल्प करोगे यहाँ से बाहर निकलने में? जिसपे वो बोला कि तुम सोचते क्या हो कि मैं तुम्हारे डेंजरस नहीं हूँ। जिसपे वो बोली तुम एक अच्छे आदमी हो। जिसपे वो बोला कि तो तुम इसलिए मेरे पास आए थे। चलो मैं तुम्हें ये बताते हूँ कि आदमियों को प्लीज कैसे बोलते हैं। ये कह के वो उसे किस करने लगता है। ये देखिए वो शौक रहती है, वो उसे स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन इफान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि अब तुमने देख लिया ना कि मैं कितना डेंजरस हूँ तुम्हारे लिए। जिसपे वो बोली कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती है तो तुम मुझे ऐसा ह्यूमिलेट भी मत करो। ये कह के वो उदास होने के नाटक करते हुए जा रही होती है और उसे जाते हुए इफान भी देख रहा होता है। वो अपने मन में कहती है कि जब मुझे मिस्टर मुंह मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगी। बेल रूम से बाहर निकलने के बाद वो एक केक के शॉप को देख के एक पास्ट का सीन को याद करती है जहाँ पर उसके फादर उसके लिए केक खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वैसे शॉप का ओनर उन्हें केक देने से मना कर रहे थे, तो वो तब उसके फादर ने कहा था कि मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है। वैसे शॉप का ओनर उन्हें केक दे देता है। और यान जब केक खा रही थी तो वो कह रही थी फादर आप भी खाइए। जिसपे उसके फादर कहते कि मुझे भूख नहीं है, तुम ही खाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लू के आदमी उसे कब पीछा कर रहे थे। ये देख के यान सोचती है अपने मन में इफान तो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। तभी बेल रूम से लिन और इफान निकलते हैं। इफान यान को कहीं पर जाते हुए देखता है तो लिन कहती है कि उसने अभी के लिए लीव लिया है चर्च में जाने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है मिस्टर लू के आदमी के ऊपर जो कि यान का ही पीछा कर रहे थे। एंड हम देखते हैं अगले सीन में यान को जो कि चर्च में होती है, तभी पीछे से मिस्टर लू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो बोली तुम लोगों को चाहिए क्या? जिसपे वो लोग बोले तुम्हें मिस्टर लू चाहते हैं। वो वहां से जाने लगती है लेकिन वो लोग दोबारा उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो उन लोगों को मजे चखने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर इफान आ जाता है। इफान को देखो वो ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि ये लोग उसे मार रहे हैं। ये देख के इफान उन लोगों को मजा चखा देता है और वो यान की तरफ देख रहा होता है। तभी एक दूसरा आदमी उठ के उसकी तरफ आ रहा होता है मारने के लिए। ये देख के यान जोर से उसका नाम चिल्लाती है और उसे हक कर लेती है, जिस वजह से उसे चोट लगती है। तो इफान उस आदमी को मार देता है और दूसरे आदमी से कहता है कि जाओ जाके मिस्टर लू को ये बता दो कि जो जिया जीक्यू है वो अब नए बने मिस्टर मू से बिलोंग करती है, तो अगर उसने इसे हटकने की कोशिश की तो उसे इस सिटी से गायब कर दिया जाएगा। ये सुन के वो आदमी यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो जब उसे उठा रहा होता है तो यान उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो। ये कह के वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तो वो उसे देख के स्माइल कर रही होती है। वो उसे अपने साथ घर लेकर आता है और उसे बेड पे लेटते हुए लिन से कहता है कि जाओ जाके डॉक्टर जैंग को बुला के लेकर आओ। फिर वो जब जा रहा होता है तो यान उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है एल्डर ब्रदर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सुन वो कहा कि तुमने मुझे अभी क्या कहकर बुलाया। इस पर वो बोली एल्डर ब्रदर। फिर वो उसके चेस्ट में एक निशान को देखता है और हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं कि ये दोनों बचपन में भी मिल चुके थे। यही सब याद करके वो शॉक रहता है। एंड हम देखते हैं अगले सीन में वो एक जगह बैठे बैठे अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसने एक बार यान से बचपन में पूछा था कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, तुम अकेले की हो। जिसपे यान ने बताई थी कि मैं उनसे अलग हो गई हूँ और उसे एल्डर ब्रदर कह के बुला रही होती है। एंड प्रेजेंट में भी यान ने उसे एल्डर ब्रदर कह के बुलाया था, जिसपे वो मन में कहता है क्या तुम अभी जिंदा हो और क्या तुम मेरे लिए ही वापस आए हो। अगले सीन में हम मिस्टर मिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो इफान के पास आके उसे मिस्टर मुके के बुला रहा होता है, तो इफान उससे कहता है कि तुमने मिस्टर लू के पास एक कॉफिन तो भेज दिया है ना उनके बर्थडे गिफ्ट के तौर पे, और तुमने एक लेटर भी छोड़ा है ना उन्हें बताने के लिए कि वो जो स्मगलिंग करते हैं जिस वजह से लोगों को हर्ट होता है, तो मैंने उनके एक बेटे को मारा है एज ए वार्निंग, और गुड थिंग वही के मेंटर का किया हुआ। उसपे वो आदमी बोला कि फिर शुरू का कोई भी न्यूज नहीं मिला। वो कहता है कि मिस्टर गो का फेनरल 1 महीने पहले खत्म हो गया है लेकिन उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई है। जिसपे वो आदमी बोला कि क्या आप किसी को सस्पेक्ट के तौर पे सोच रहे हो। वो बोला कि तुम जाके मिस्टर गो के बॉडी को बाहर निकालने के लिए कहो और अच्छे से एग्जामिन करने के लिए कहो, साथ ही साथ मिस्टर गो के बेटी को भी ढूंढो। अगर फिर शुरू उनके घर पे निकलता है तो ये प्रूफ कर देगा कि मिस्टर गो ने ही मेरी फैमिली को मारा है। तब यहाँ पर लेना के बताती है कि जिया जी की वजह से चली गई है। इसके साथ ही पार्ट 2 भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।